ते आया हाँ सारे साधु सारे लोग इस कारण नू जान लैन। वो कारण की सी? धर्म चलावन, संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारण। पातशाह कहिंदे ओ कारण सी कि धर्म नू चलाउणा ते संतां नू उबारना ते दुष्टां दा इस धरती दे उपरों नाश करना। कहिंदे इसे कारज दे लई मैं इस धरती ते आया। साध संगत अपने वर्गे आम मनुखां दा इस धरती ते जन्म हुंदा है, पर जिहड़े वड्डे पीर पैगंबर अवतार गुरु हुंदे ने उन्हां दा प्रकाश हुंदा है। अज आपां गुरु गोबिंद सिंह जी दा जन्म दिवस नहीं प्रकाश दिवस मना रहे हाँ। ते पातशाह ने आप अपनी रचना विच लिखिया है, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे पव लयो। केंदे जदों एक पासे मेरी माता दी आराधना चल रही सी, भगती चल रही सी, दूजे पासे पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी दी भगती चल रही सी, तीजे पासे मैं परमात्मा दी याद विच इन्ना लीन होया सी कि मेरा ते उदा आपस दे विच एक रूप हो चुके सा। असी दोवें आपस विच एक रूप सा ते मेरा इस धरती ते आउणा होया। पातशाह लिखदे चित ना भयो हमरो आवन को, चुभी रही सुत प्रभ चरणन में। मेरी सुरती परमात्मा दे चरणा विच इन्नी जुड़ी हुई सी, मेरा इस धरती ते आउण दा चित नहीं सी करदा। केंदे अकाल पुरख ने मैनू अपने दरबार दे विच सद्या, उन्होंने हुक्म किता ते अपना पुत्र बना के मैनू इस धरती ते भेजिया। मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा। अकाल पुरख ने महाराज जी नू कहा, मैं तहानू अपना पुत्र बनाया ते पंथ चलाउण दे लई इस धरती ते भेजिया। साध संगत इतिहास विच पिछे झाती मारीए, जदों सिख धर्म शुरू होया श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उस वेले भी यही घटना वापरी सी। पातशाह वेई नदी दे विच जांदे ने ते तीन दिनां बाद वापस आउंदे ने। इतिहासकार आपो अपनी मत अनुसार लिखदे ने इस घटना दे बारे। भाई गुरदास जी जो सब तो वड्डे इतिहासकार ने, प्रमाणक इतिहासकार, वो लिखते ने बाबा पैंदा सचखंड के गुरु नानक साहब कित्थे गए सी। वो कहिंदे वेई नदी दे विच पातशाह सचखंड गए सी। बाबा पैंदा सचखंड नौ निद नाम गरीबी पाई, उत्थों लैके की आए पातशाह नाम लैके आए। जिथों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी शुरुआत होई, जिथों गुरबाणी दा मुढ बजिया, पातशाह उत्थों मूल मंत्र लैके आए सी, जिहड़ा आपां पढ़दे हां, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद। पातशाह यह मूल मंत्र लैके वेई नदी तो आए सी, बाबा पैंदा सचखंड नौ निद नाम गरीबी पाई। पातशाह ने उत्थों ये गरीबी की दात, ये नाम की दात हासिल की, दुनिया के उपर वंडन लई चल पे। ये सफ़र उदों तो शुरू हो गया जदों गुरु नानक साहिब जी वेई नदी दे विच प्रवेश किते सी। ते साध संगत जीओ, ये सफ़र नू चलदिया होया अगे जदों वधदा है
पातशाह चारे दिशावां दीयां यात्रावां करदे ने। पूरी दुनिया गुरु पातशाह जी ने अपने कदमां दे नाल गाही, पूरी दुनिया दे उपर पातशाह ने अपना सच दा संदेश दिता। ते उस वेले ये सफर अगे चलदिया होया उदे विच होर गुण भरने सन। उन्हां गुणा दे राही गुरु अंगद दे रूप दे विच पातशाह सामने आए। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। उही जोत जिहड़ी गुरु नानक साहब दे विच सी, दुनिया गुरु नानक साहब नूं मत्था टेकदी सी, उही जोत जद गुरु अंगद साहब दे विच आ गई तां सारी दुनिया ते नाल गुरु नानक पातशाह आप भी गुरु अंगद साहब अगे मत्था टेकिया। लहणे दी फेराई नानका दुही खट्टी है। लहणे दी भाव गुरु अंगद साहब जी की परिक्रमा कीती ते उन्हां दे अगे अपना सीस नवाया। ते गुरु अंगद साहब जी दे इतिहास नूं आपां जानदे हाँ कि किवें उन्हां गुरमुखी लिपी मल अखाड़े ये सारे गुण अपने धर्म दे विच भरे। इस तरह फिर जोत चलदिया होया गुरु अमरदास पातशाह दे विच प्रवेश कीती। साध संगत जो गुरु नानक साहिब जी का सिद्धांत सी, जिथे आखिरी मंजिल नूं पौना सी उसी खालसा पंथ की साजना करनी, उस दे लई गुरु साहिब जी नूं इस धरती दे उपर 250 साल का समा लग्या। सिख सब तो पहला गुरु नानक साहिब जी तो बनने शुरू हो गए, पर उन्हां नूं सिंह ते फिर खालसा बनाउण दे विच गुरु नानक दी जोत नूं 250 साल का समा पूरा लग्या। इस दौरान गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस धरती दे उपर जिथे जात पात वंड वरण नूं खत्म किया, बौली साहिब जी की स्थापना की, उत्थे ही पातशाह ने अपने सिखां दे विच सेवा का गुण भरिया। जिवें गुरु अंगद साहिब जी ने हुक्म मन्नण का गुण भरिया, इस तरह गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने सिखां दे विच सेवा का गुण भरिया। साध संगत इतिहास अज भी साफ दसदा है कि 12 साल गुरु साहिब जी गुरु अंगद साहिब जी नूं इशनान करवाउण दे लई गागर भर के लियाउंदे रहे ब्यासा दरिया दे उपर। ते आपां अज दी ठंड अज दी धुंद वेख के अंदाजा ला सकदे हां ते 12 सालां दे विच किन्नी वरी गर्मी आई होएगी, किन्नी वरी इदां दी ठंड भी आई होएगी। पर कहिंदे पातशाह दा एक दिन दा भी कोई नागा नहीं सी। इन्नी ठंड ते ना उस वेले कोई चलन फिरन दे कोई साधन सन। साध संगत अजकल ते अपने कोल साधन बहुत हो गए ने, उस वेले ये साधन नहीं सी। अजकल कई वारी आपां कह दिंदे आ ना कि बहुत समा थोड़ा रह गया है। साध संगत उस वेले समय थोड़े सी। आप जी जानते हो गए कि पुराने समय दे विच एक खूह तो पानी बीबियां भर के लियांदियां सी। जे वो इस पिंड च खूह ना होना तो दूजे पिंड चले जाना। हुण तो एक बटन नप्पी दा है तो पानी आ जाता है। समा उदों घट सी ना कि हुण घट है। हुण तो साध संगत सौख ही बहुत हो गई है। पर जिन्हां ने घालना घालियां उस वेले पातशाह तुर के जांदे ने ते 12 मील तो पानी भर के लियांदे। रोज़ गुरु पातशाह जी की सेवा दे विच हाजिर हुंदे ने ते सेवा दा गुण अपने सिखां दे विच गुरु अमरदास पातशाह जी ने भरिया। अनेक गुण होर पातशाह ने अपने सिखां दे विच भरे।
इसे तरह अग्गे जोत हुकम नू मानदिया होया गुरु रामदास पातशाह जी दे रूप विच सामने आती है। गुरु रामदास पातशाह दे रूप दे विच जोत सामने आती है ते पातशाह हुकम नू मानदिया होया जेठे तो रामदास बन जांदे ने। अपने सिखा नू सिखाया कि किवें गुरु कोई काम कहे ते उसनू बिना ना नुकर कित्या किवें मनना है, ये गुण गुरु रामदास पातशाह ने भरे। गुरु रामदास पातशाह ने निम्रता दे गुण भरे ते उसे जोत ने जद सिखां दे विच शहादत नू पक्या करना सी तां ओ पंजवें पातशाह दे रूप दे विच सामने आए, जिन्हां नू आपां कहने हाँ शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। अज तक दुनिया दे विच लखां ही शहीद होए हन, पर केवल ते केवल सरताज दा लकब गुरु अर्जन पातशाह दे नाल जुड़िया। जे उस वेले गुरु अर्जन पातशाह ने शहादत दित्ती ते उन्हां दे बाद हुण तक लखां दी गिनती दे विच सिखां ने शहादतां दित्तियां। शहादत दा गुण, सबर संतोख, भाणा मन्नण दा गुण गुरु अर्जन पातशाह ने भरिया। उन्हां इह सिखाया कि तत्ती तवी ते बैठ के भी की कहना है, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। सफ़र जिहड़ा गुरु नानक साहिब जी तो शुरू होया सी ओ गुरु अर्जन साहिब जी तक भाणा मन के तत्ती तवी ते बैठ के शहादत देन तक अगे चलदा रहा। फिर पातशाह ने कहा कि किते शहादत नू किते इस निम्रता नू किते बुझ दिली ना समझ लिया जावे, किते कायरता ना समझ लिया जावे। पातशाह ने वीर रस दा गुण भरना सी, पातशाह ने योधियां दे गुण भरने सी, ते यही जोत ने सफ़र करदिया होया गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे रूप दे विच साढ़े सामने आए। पातशाह वल वेख के वड्डे वड्डे विद्वाना ने कहा कि वड जोधा बहु पर उपकारी, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। पातशाह कहिंदे वड्डे योधे भी ने ते पर उपकारी भी ने। पातशाह ने वीर रस दा, पातशाह ने तेग दा, तेग दे तनी होण दा गुण छेवें पातशाह दे राही अपने सिखां दे विच भरिया। फिर पातशाह ने कहा कि सिख दे विच किते हंकार ना आ जावे कि मैं बड़ा वड्डा योधा हाँ, मैं बड़ा वड्डा बली हाँ, क्योंकि साध संगत कोई ना कोई गुण हुंदा है जिस दा बंदा हंकार करदा है। जिस दा बंदा हंकार करदा है उस विच ऐसा कोई ना कोई गुण तां हुंदा ही है। पातशाह कहिंदे कई वारी ये भी हुंदा है कि कोई गुण ना भी होवे फिर भी बंदा हंकार करे, ते महाराज कहिंदे कि ओह तां इक खर दी तरह है, भाव इक गधे दे समान है जिहड़ा बिना गुणा तो भी हंकार करता है। फिर पातशाह ने कहा कि मैं अपने सिखां दे विच हुण सहनशीलता दा गुण भी भरना, भाव इह ना होवे कि योधा होवे, फौज रखी होवे ते इसे हंकार दे विच रह जावे। इसलिए पातशाह ने गुरु हर राय साहिब जी दे रूप दे विच, आपां जानते हाँ कि 2200 घोड़ सवार, साध संगत जीओ 2200 घोड़ सवारां दी फौज गुरु हर राय साहिब जी दे नाल हर वेले रहिंदी सी, पर पातशाह ने एक भी युद्ध नहीं किया। ये दसिया कि यह फौज केवल असी लड़न लई नहीं रखी, ये अपने बचाओ लई भी रखी है। तो गुरु हर राय साहिब जी का
इन्ना वड्डा पर उपकार सी, इन्ने वड्डे सहनशील सी पातशाह कि उन्हां दे एक फुल भी टुट जांदा सी ते ओह भी उन्हां दे सीने ते खिच पौंदा सी। पातशाह ने कीरतपुर साहिब विखे एक चिड़िया घर बनाया होया सी। इन्हें कि उत्थे जानवरां नूं कोई कैद किया सी नहीं, उन्हां दे टहलन दे लई, उन्हां दे चहचहाउण दे लई पातशाह ने बड़े सोहणे उत्थे फुल बूटे लाए हुए सी। पातशाह बहुत कुदरत नूं प्यार करदे सी। साध संगत अज भी गुरु हर राय साहिब जी दे नाम दे उपर वातावरण दिवस मनाया जांदा है कि उह बड़े ही वातावरण नूं कुदरत नूं प्यार करन वाले सी। ये गुण भरे गुरु हर राय साहिब जी ने कि सिख पर उपकारी भी होवे। पातशाह ने बड़ा वड्डे दवाखाने भी खोले सी। उन्हां दवाखानियां दे विच रोगियां नूं मुफ्त दवा मिलदी सी। पातशाह ने पर उपकार दे गुण सतवीं जोत दे राही अपने सिखां दे विच भरे। फिर पातशाह ने कहा कि किते कोई कमी ना रह जावे, किते ए ना होवे कि यही किया जावे कि वड्डी उम्र दे विच ही रब नूं पाया जा सकता है, क्योंकि इस धरती दे उपर छोटी उम्र दे भगत तां होए सन। आपां जानदे हाँ कि भगत ध्रुव प्रहलाद की उम्र 5 साल की दसी जाती है। भगत प्रहलाद की उम्र 5 साल की सी। पातशाह ने कहा कि अज तक धरती ते इन्नी उम्र दे विच कोई गुरु नहीं होया, किते बचपना खाली ना निकल जावे, क्योंकि साध संगत जीओ 3 अवस्था ने मनुख दियां। तुसीं हुणे भोग दे सलोक सुने, गुरु तेग बहादुर पातशाह सलोक महला 9। पातशाह कहिंदे बाल जवानी अर बिरध फुन, 3 अवस्था जान। पातशाह कहिंदे 3 अवस्थावां ने बाल, जवानी ते बुढ़ेपा। पातशाह कहिंदे जे रब दे नाम तो बिना रह गया तां तिन्ने ही अजाई चलियां जाणगियां। इस करके पातशाह कहिंदे किते ए ना कोई सोचे कि रब केवल जवानी जां बुढ़ेपे दे विच ही मिलदा है। रब नूं पाउणा चाहो तां उह बचपन च वी मिल जांदा है, जिवें भगत ध्रुव नूं मिलिया, भगत प्रहलाद नूं मिलिया। ते बचपन विच रब नूं पाउण वाला गुण भरना सी, ते पातशाह ने गुरु हरकृष्ण साहिब दे रूप दे विच ओह जोत टिक गई। केवल 5.25 साल की उम्र है गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की, ते ओह गुरु नानक की गद्दी ते बैठते ने, ते जिन्हां ने शक किया उन्हां दे शक दूर भी किते। साध संगत आपां जानते हाँ कि किवें पंडित लाल चंद ने अंबाले दे कोल पंजोखरा साहिब की धरती जिथे गुरद्वारा साहिब बनिया होया है, उसने कहा कि तुहाडा नाम हर कृष्ण है, ते कृष्ण ने तो गीता दे श्लोक रचे सी, तुसी इस दे अर्थ करो। ते पातशाह ने किवें अपनी छड़ी धरी ते छज्जू चीवर वर्गिया ने अर्थ किते। ते पातशाह छोटी उम्र दे विच ही फिर इस लुकाई दे लई ज्योति जोत भी समा गए। फिर पातशाह ने होर गुण भरने सी, ते ओ जोत 9वें महल्ले दे रूप विच साडे सामने आई, भाव गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। 9वें रूप विच गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, पातशाह ने कहा मेरा सिख केवल अपने धर्म दे लई नहीं दूजियां दे लई भी कुरबानी दे देगा। ये गुण भरने सी अपने सिखां दे विच, ते पातशाह ने 9वें रूप दे विच तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। 9वें रूप दे विच जदे जोत टिकी ते किसे होर धर्म दे लई अपनी कुरबानी भी दे दित्ती। पातशाह ने अपने शरीर दा बलिदान भी दे दित्ता। ये इन्ना वड्डा साका किता, जिस बारे दसम पिता आप लिखते ने
धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिरर न दिया। पातशाह कहिंदे आपने सिरर तो डोले नहीं सीस दे दिता, ये गुण भरने सी अपने सिखां दे विच। फिर साध संगत ओही जोत ने सफर करदियां होया दसवें पातशाह दे रूप दे विच प्रवेश किया, जिन्हां नूं आपां आखदे हां कलगीधर पातशाह, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। हुण जिहड़ी कोई कमी रह गई सी उसनूं पूरा करना सी दशमेश पिता जी ने, क्योंकि सफर शुरू हो गया सी गुरु नानक साहिब जी तो। जद गुरु नानक साहिब आपां जिक्र किया कि वेई नदी विच प्रवेश किते ने, उदों तो ये सफ़र शुरू हो गया। तो गुण भरदिया होया पातशाह नूं 250 साल दे करीब दा समा लग गया। मनुखी जामे दे विच विचरदिया लगभग 250 साल दा समा लग गया। तो फिर पातशाह जी ने जो आखरी दे उपर होना सी उह सी खालसा पंथ दी साजना। साध संगत जीओ, पातशाह कहते तीन तप जद चल रहे सी ते मेरा इस धरती ते आउण दा कोई मन नहीं सी, पर उस परमात्मा ने मैनू आग्या कीती कि तुसी इस धरती ते जाओ ते उस रब दा पंथ चलाओ। क्योंकि पंथ पहला भी बहुत चल रहे सी, वड्डे धर्म इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बोधी धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, बड़े धर्म इस धरती दे उपर चल रहे सी। पातशाह ने कहा उन्हां सारिया ने आपो अपना नाम जपाया है, तुसी जा के अकाल पुरख रब दा नाम उन्हां नूं याद कराओ कि ये ता रब दा संदेश देन वाले ने, असल दे विच जिस दा नाम जपना है वो अकाल पुरख रब आप है। तुसी उस परमात्मा दा पंथ चलाओ जिसनू वेख के कह सकीए कि ये रब दा पंथ है। साध संगत जीओ, आपां किते भी ये नहीं कहिंदे कि ये केवल ते केवल सिखां दा पंथ है, नहीं, ये रब दा पंथ है जिनू पातशाह ने कहा आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ। पातशाह ने कहा कि ये आग्या अकाल दी आग्या है ते अकाल दी आग्या नाल मैं पंथ चलाउण दे लई इस धरती दे उपर आया हाँ। साध संगत जीओ, पातशाह दा जद प्रकाश हुंदा है पटना साहिब दी पावन धरती दे उपर, आपां संखेप रूप दे विच ही इतिहास ते झाती मारांगे। क्योंकि भाई साहिब भाई वीर सिंह जी जिन्हां ने एक बहुत सुंदर रूप दे विच गुरु नानक चमत्कार लिखिया है, जिस विच गुरु नानक साहिब जी का इतिहास है, इस तरह भाई साहब भाई वीर सिंह जी उन्होंने जिहड़े एक संत कवि ने उन्होंने अष्ट गुर चमत्कार लिखिया है, जिस विच अठ गुरु साहिबान जी का इतिहास है। इस तरह कलगीधर चमत्कार पातशाह ने लिखिया, उस विच दसम पिता जी का इतिहास है। तो पातशाह उस विच लिखते ने कलगीधर चमत्कार दे विच कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं चोजी प्रीतम कहा जाता सी। जिवें अठवें पातशाह दे बारे आपां कहने ना कि बाला प्रीतम, उन्हां दे नाम दे उपर जिहड़ा गुरद्वारा साहिब है आपां कहिंदे हां बाला जी दा गुरद्वारा साहिब। इसे तरह बाला प्रीतम, इसे तरह पातशाह ने कहा चोजी प्रीतम, क्योंकि पातशाह ने पटना साहिब दे विच अपनी जिंदगी दे पहले 5 साल गुजारे सी। साध संगत जी, पहले 5 साल बचपन दे पटना साहिब दी धरती ते गुजारे, ते उत्थे पातशाह रहिंदियां होया बड़े चोज किते। जिवें कई चोज ये आउंदे ने कि एक बार एक कंगन पातशाह दा गवाच जांदा है,
ते माता गुजरी जी उन्हां नूं पुछदे आ कि तुहाडा कंगन कित्थे है जिहड़ा हाथ विच बचपन विच बच्चियां दे आपां सोने चांदी दा कड़ा पा दिंदे आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਗਣ ਉਹ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ। ਪਾਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ, ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਗਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ
कि लोग कुछ ना कुछ पैसे सुट के उस विच जांदे सी, कुछ ना कुछ उन्हूं भेटा दे के लंघदे सी कि असी पानी तो पार निकल रहे हैं। साध संगत जिवें अजकल नदियां ने दरिया ने ये बड़े छोटे रूप च आपां नूं दिस रहे ने, उस वेले नदियां दा वहा दरियावां दा वहा बहुत वड्डा हुंदा सी, दरिया बड़ी दूर तक जिहड़े वगदे सी, अजकल तां बन लग गए ने ते बड़ा थोड़ा थोड़ा पानी निकलदा है। कई वारी दरिया भी इदां लगदा है कि कोई सूआ ही वगदा पिया होवे। उस वेले इन्हां दरियावां दा नदियां दा वहा बहुत वड्डा सी, सरसा बड़े वड्डे रूप दे विच वगदी सी ते कहिंदे जदों पातशाह उत्थों निकलण लगे ने अपने परिवार समेत ते एक कवि लिखदा है कि आपस विच उहदी पातशाह नाल गलबात हुंदी है। कवि अपनियां काल्पनिक अडारियां लाउंदे ने ते बड़ियां अनुभवी गल्लां कर दिंदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ
ते दशमेश पिता जी ने उन्हां नूं अपने गल नाल लाया अते उन्हां नूं अपने पुत्तर दा खिताब दिता कि तुसी साडे रंगरेटा गुरु का बेटा। पातशाह कहिंदे तुसी गुरु के बेटे हो, तुसी गुरु के लाल हो। इस तरह पातशाह जी ने उस वेले जद पुछिया भाई जैता जी नूं कि नौवें पातशाह दा सीस जिस वेले दिल्ली वेच कटिया जान लग्या सी कि भाई जैता जी उदों कोई सिख मौजूद नहीं सी, क्योंकि सिख होवे ते गुरु दी अदब दे विच कोई गल हो जे सिखे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिख इस नूं कदी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे गुरु दी कोई हानि करे। कहिंदे उस वेले कोई सिख दिल्ली विच मौजूद नहीं सी ते भाई जैता जी आखदे सिख तां बहुत सी पातशाह पर पता नहीं लग्या, इधर उधर कई जाने लुक गए, क्योंकि शहादत देन दा जदों समा आउंदा है ते कोई विरले नित्रदे ने। कुछ तां उस वेले सरकारां तो भै पीत हो के लुक जांदे ने, आपने तां अनेका ऐसे समय वेखे होणगे कि जद सरकारां थोड़ा दबका मार दियां भै पीत कर दियां ने तो बहुत सारे लुक जांदे आ कि असी की लैणा। कहिंदा पातशाह बहुत सारे सन पर पता नहीं लग्या। कहिंदे उस वेले 9.25 साल की उम्र दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह ऐलान कर दिता सी कि समा आउण ते मैं ऐसा खालसा साजांगा जिहड़ा करोड़ां लखां दे विच वी कल्ला दूरों पछाणिया जाएगा, जिहड़ा कदी लुकेगा नहीं, जे कल्ला भी होएगा तो उह शहादत नूं पा जाएगा। आपां जाणदे हां कि किवें अगे समा चलदा रहा। जदों कहिंदे सी सिख मुक गए, सिंघां दा खात्मा हो गया, कहिंदे उस वेले दो ही रह गए सी, बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह। कहिंदे सिंघ मुके नहीं, सिखां दा राज है। मोके दी हकूमत नूं चिट्ठी लिख के पाई कि सिख टैक्स लै रहे ने, कर लै रहे ने, रस्ते च खलोते ने, हाथ च उहनां दे सोटा है। ते पातशाह कहिंदे ऐसा खालसा मैं साज देंगा। सिर्फ पातशाह ने कहा ही नहीं, ऐसा खालसा साजिया नहीं। साध संगत जीओ, समा बीतदा गया ते समा अपनी चाल चलदा गया ते पातशाह ने अनेकां ही कौतक किते। पातशाह दी जिंदगी दे विच पहाड़ियां दे नाल बहुत सारियां जंगां होईयां। जद पातशाह आनंदपुर साहब दी धरती ते रहिंदे ने ते उस वेले आसे पासे दे पहाड़ी राजे गुरु साहब तो बड़ी खार खांदे ने। क्यों? वो पातशाह दी बादशाहत नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते सी। जद सवेरे रणजीत नगारा वजदा सी, उच्ची आवाज़ दे विच नरसिंघे वजदे सी, उन्हां दे दिल कंपदे सी कि इह साडी हकूमत दे विच इन्नी वड्डी हकूमत वाला कौण आ गया, इह तां इस पूरी धरती दे उपर राज करनगे, साडे राज खुस जाणगे। उन्हां नूं इह भै पीत हो गए, उन्हां नूं इह डर पै गया ते उह पातशाह दे नाल आने बहाने उन्हां कई जंगा कीतियां। दशमेश पिता दी जिंदगी दे विच साध संगत केवल 41-42 साल दी उन्हां दी उम्र सी दुनियावी तौर ते, तकरीबन 14 जंगा गुरु साहिब जी दे जीवन विच होईयां। 14 जंगा पातशाह ने लड़ियां मुगलां दे खिलाफ ते पहाड़ी राजियां दे खिलाफ, जिहदे विच एक भी जंग च पातशाह आप नहीं गए, भाव दुश्मन चढ़ के आया ते उन्हूं जवाब दिता है, कोई जंग पातशाह ने आप नहीं सी लाई। इस तरह साध संगत जीओ, जदों समा बीतदा गया ते पातशाह पौंटा साहिब दी धरती ते पहुँचदे ने। पौंटा नाम इस गल तो पिया कि लम्मा समा गुरु साहिब जी ने उत्थे अपना पैर टकाया। जब पैर टकाउणा हिंदी च पैर नूं पाओ कहिंदे ने,
पाचक ने उत्थे लम्मा समा पैर टिकाया पाओ टिका ते उत्थे नाम पै गया पौंटा। पातशाह नाहन दी ओ धरती सी ते उत्थे पातशाह जी ने 52 कवि अपने कोल रखे। पातशाह ने बहुत सारा साहित रचिया जिवें जाप साहिब दी बाणी अकाल उस्तत। इस तरह पातशाह ने होर अनेक बाणियां दी रचना ते कवियां तो पातशाह ने अनेक वह भी रचनावां करदे सी ते पातशाह उन्हां नूं खुश हो के इनाम दिंदे सी। बड़ा लम्मा समा पातशाह जी उत्थे टिके ते जद उत्थे दे पहाड़ी राजियां नूं इस गल दा पता लग्गिया कि गुरु पातशाह दे दरबार दे विच बड़ियां वड्डियां भेटावां चढ़दियां ने, साध संगत कईयां नूं गुरु घर दे विच चढ़न वालियां भेटावां तों वी दुख लगन लग पैंदा है। जद पातशाह नूं उत्थे बड़ियां लंबियां भेटावां दे बारे दे विच पता लग्गिया कि गुरु पातशाह नूं तां प्रशादी हाथी चढ़िया है जिहड़ा कि चिट्टे रंग दा एक हाथी सी, कहिंदे उह हाथी गुरु साहिब जी नूं चोर करदा हुंदा सी। उह हाथी गुरु साहिब जी दे उपर चवर करदा हुंदा सी ते वड्डे वड्डे राजे जिहड़े सी गुरु पातशाह जी दे इस रूप नूं वेख के अपनी हेठी महसूस करदे सी कि इन्हां नूं हाथी चोर करदे ने। इन्हां गुरु पातशाह चंदन दी चौंकी भाव जिहड़ी पीढ़ी है वह चंदन दी हुंदी सी जिस ते पैर रख के बैठदे सी ते पातशाह हीरिया नाल जड़ी हुई कलगी लाउंदे सी जिहदा उस वेले दा मुल अज दे हिसाब नाल करोड़ां दे विच है। कि पातशाह दे सामने राजे महाराजियां दी जिहड़ी चमक दमक सी वह फिक्की पैंदी सी। बड़े सुंदर कपड़े पातशाह पाउंदे हुंदे सी, बड़े ही सुंदर पातशाह दे कोल फौज दे विच उहनां दे जिहड़े सिपाही सी। ये सब कुछ वेखदिया होया जेडे नाहन दे राजे आसे पासे दीयां रियासतां दे सी वो पातशाह दे नाल खार खान लग पे। साध संगत उत्थे सब तो पहला जेड़ा सिख धर्म का युद्ध होया दशमेश पिता जी का वो सी पंघाणी का युद्ध। उत्थे पातशाह ने पंघाणी का एक स्थान सी जो पौंटा साहिब तो कुछ क मील की दूरी पर है उत्थे पातशाह जी ने युद्ध रचिया। उत्थे पातशाह जी का हरिचंद राजे नूं मारिया ते फिर पातशाह जी की जित हुंदी है। उसे दे विच ही पीर बुद्धू शाह जो सडोरे का रहन वाला सी ते महंत किरपाल दास उस सोटियां दे नाल ही उत्थे जाके लड़े सी। एक हिंदू बरादरी विचों सी महंत किरपाल दास ते दूजा पीर बुद्धू शाह मुसलमाना विचों सन। साध संगत वो किते भी ये नहीं आखते सी कि ये सिखा दे गुरु ने, वो पातशाह नाल खड़न वाले ये आखते सी ये सच्चे गुरु ने। वो तां उन्हां दे नाल खड़दे सी ते पातशाह ने किते भी उन्हां दा धर्म तब्दील नहीं सी किता। वो आखते सी ये सच्चे गुरु ने, जिवें आपां अगे समा बीतदा गया ते वेखिया कि किवें गनी खां नबी खां वर्गे मुसलमान पातशाह लई अपनी जान तक देण लई हाजिर हुंदे ने। क्यों वो आखदे सी ये सच्चे गुरु ने ते किवें टोडर मल वर्गिया ने अपनी सारी दौलत, भाई मोती राम वर्गिया ने अपनी सारी दौलत ला दित्ती सी ते वो की आखदे सी कि ये सच्चे गुरु ने। वो ये नहीं सी आखदे केवल कि ये सिखां दे गुरु ने, वो यही आखदे सी ये सच्चे गुरु ने। इसलिए वो गुरु पातशाह लई अपनी जान दी कुरबानी तक देने लई भी तैयार हो जांदे सी। वो पातशाह पिछे अपना सब कुछ वारन लई भी तैयार हो जांदे सी। ते इसे तरह पातशाह जी दी उत्थे ये जंगा हुंदियां ने ते हर जंग विचों पातशाह जी जितदे ने। कहिंदे एक वार दरिया पार करना सी पातशाह जी ने, ते आपां जानदे हाँ कि दरिया पार करन दे लई उस वेले साधन हुंदे सी बेड़ी दे।
बेड़ी नू चलाउंदा हुंदा सी मलाह, ते मलाह ने बेड़ी दे राही दरिया पार करौना सी। कलगीधर पातशाह जी कुछ क सिखां दे नाल दरिया तो पार जान लई बेड़ी दे कोल पहुँच जांदे ने। कहिंदे कि बेड़ी नू चला रिहा सी सैयद मलाह। जद उस दे कोल सैयदा मलाह दे कोल पातशाह पहुँचदे ने ते सैयदा मलाह मन दे विच सोचदा है कि मैं सुनिया है कि कलगीधर पातशाह इस दीन दुनिया तो पार करन वाले ने। जदों किते मेरी बेड़ी दे विच किते आउणगे ते मैं उन्हां दे कोलों किहड़ी भेटा लवांगा, मन दे विच सोची जांदा है। इन्ने चिर नूं साध संगत पातशाह उस दी बेड़ी दे कोल पहुँच जांदे ने ते सैयदा मलाह आखदा है पातशाह तुसी किस पासे जाना है। ते सैयदे मलाह नूं पातशाह आखदे ने कि तू सानू इस दरिया तो पार कर दे, तू सानू इस दरिया तो पार कर दे। ते नाल अपना मन मलाह जिहड़ा सी वो ये सोचा सोची जाता है, उदा ध्यान चप्पू चलाउण दे विच नहीं, उदा ध्यान पातशाह दे चेहरे वल सी, क्योंकि पातशाह दा चेहरा बड़ा चमक दमक वाला, बड़ा नूरानी चेहरा, रब दा रूप सी। नाल मन दे विच सोची जाता है कि जे पातशाह तो कोई भेटा मंग ली तो वह भेटा छोटी ना होवे। मन दे विच बड़ा कुछ चलता है गुरु पातशाह दी हजूरी दे विच। ते जद पातशाह जी पार होण वाले हुंदे ने ते सैयदे मलाह नूं आखदे ने कि किन्नी भेटा तैनू दईए, ते सैयदा मलाह कहिंदा है पातशाह जी तुहाडे तो भेटा नहीं लैणी। वो आखदा भी तुसीं भेटा क्यों नहीं लैणी, क्यों पैसे नहीं लैणे। वो आखदा पातशाह जी तुसीं भी एक मलाह हो, ते जिहड़ा आपस विच एक दूजा सेम काम इको जिहा काम करदे ने वो एक दूजे तो पैसे नहीं लैंदे। आपां जानदे हां साध संगत कोई ड्राइवर होवे ते दूजे ड्राइवर तो वो पैसे नहीं लैंदा। इस तरह वो पातशाह नूं कहिंदा पातशाह जी तुसीं भी ते एक मलाह हो ते मैं भी मलाह हाँ। जे मैं तुहाडे तो पैसे लै ले तुसीं तां दे दिओगे, पर जदों मैनू देण दी लोड़ पई मेरे कोलों तां कुछ भी नहीं जे होना, फिर मेरे कोल फिर कुछ भी नहीं जे होना। ते पातशाह आखदे कि सैयदा मलाह तू गल खुल के करके की चाहुंदा है। कहिंदा पातशाह जदों इस जिंदगी दे सफ़र दे विच्चों भवजल तो तरन दा समा आया ते तुसी मैनू पार कर दिओ, मैं तुहाडे कोलों तां पैसे नहीं लैने, क्योंकि हुण ते मैं पैसे लै के तुहानू पार कर देंगा, पर मेरे कोलों उदों तुहानू देण नू कुछ भी नहीं होना। पातशाह कहिंदे सैयदे मलाह तूं सब कुछ ही मंग लिया, तू तां जिंदगी दी सब तो वड्डी भेटा लै ली, जा तेनू अंत समय वो गुरु नानक इस भवजल तो पार करेगा। साध संगत जी कई बारी आपां नूं मंगना भी नहीं आउंदा, जिवें मलाह सी वह कुछ पढ़िया लिखिया भी नहीं होना बेचारा, पर मन दी भावना सी ते वह वड्डी दात मंग ली जिहड़ी वड्डिया वड्डिया नूं भी नसीब नहीं हुंदी। पातशाह दी बाणी दे विच लिखदे ने देवतियां दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ की है। वड्डे वड्डे देवते जिहड़े वो सिमरदे रह जांदे ने, तरसदे रह जांदे ने, इस देही को सिमरै देव, वो तरसदे रह जांदे ने, रोंदे रह जांदे ने, पर पातशाह जी दी जिहड़ी कृपा है वो किसी एक पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। पातशाह कहिंदे वो किसी ते भी हो सकती है, वो किसी दे उपर भी हो जाती है, किसी वेले भी हो सकती है। इस तरह सैयदे मलाह ने अपनी जिंदगी का पार उतारा कर लिया। पता नहीं होर किन्या कने अपनी जिंदगी का जेड़ा
वो पार उतारा पातशाह जी की भावना दे नाल कर लिया। साध संगत जीओ, जद उथे श्री पौंटा साहब की धरती के उपर ही दीवान लगते ने ते उथे कई प्रकार के लंगर भी चलते ने। केंद्र एक लंगर सी जिस की देख रेख करते भाई साहब भाई नंद लाल जी। केंद्र के पातशाह कई वरी रात बराते उथे लंगरां दे विच जांदे सी ते वेखदे सी कौन केड़ा प्रबंध चला रहा है। कई वरी उन्होंने भेस वटा के जाना, मान लो किसी होर लंगर च चले गए जिहदा प्रबंध कोई होर चला रहा है, तो उन्हों अद्धी रात किसी भेस वटा के कहना रोटी दे दिओ। तो कई वरी आपा वेखदे आ कि कह दिने आए हुए नूं कि इस वेले किहड़ी रोटी, कईयां ने इस तरह मोड़ देना। इस तरह अद्धी रात नूं पातशाह पहुँचते ने भाई नंद लाल दे लंगरां दे विच कि भाई नंद लाल कहिंदे कोई अद्धी रात भी उन्हां तों रोटी मंग लैंदा सी ते उस वेले उहदा प्रबंध कर दिंदे सी। ते भाई नंद लाल जिहड़े 52 कवि सी उन्हां दे विचों पातशाह दे सिरमौर कवि होए ने। पातशाह उस बारे लिखते ने कि एक दिन भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं आखदे ने कि पातशाह जीओ, जेकर तुसी मैनू अपनी प्यारी झलक विखा दिओ, भाव अपनी कृपा दृष्टि कर दिओ, तो मैं अपनी जान दे दियां। साध संगत, बंदे कोल सब तो कीमती अपनी जान ही हुंदी है। किसी नूं कई वारी आपां कह दईए कि इन्ने करोड़ रुपया लै ला, जान दे दे, वह कहूगा भी जान दोबारा नहीं मिलती, पैसे तो फिर आ जाएंगे। भाई नंद लाल आखते ने कि पातशाह, गुफ्तम के जान दे हम इफ़्ज़े ज़क निगाहे तोहे। पातशाह मेरे वल तुसी मेहर दी नज़र कर लो, मैं अपनी जान दे दियां। पातशाह कहते इहदा मतलब हो गया तेरी जान दे बदले रब दी मेहर मिल गई। इहदा ए मतलब हो गया कि रब दी मेहर तेरी जान तो छोटी है। पातशाह कहते कि उस दी नदर उदी कृपा नाल ही हुंदी है, उस दे बदले कुछ नहीं लिया जा सकता। जिन्हों गुरु नानक पातशाह ने अपनी बाणी च किया ना, आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण दे ना जोर। पातशाह कहिंदे उहदे अगे जोर नहीं चलता, ते जिथे जोर नहीं चलता उथे अरदास कीती जांदी। साध संगत जी, एक छोटी जी घटना साखी आप जी नूं सुना के फिर आपां समाप्ति करदे हाँ कि एक बार जो गुरमुख प्यारियां ने एक गल सुनाई, क्योंकि आपां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का इतिहास सांझा कर रहे हैं कि एक गुरु का प्यारा सिख सी जिसका नाम सी गुरमुख सिंह। नाम भी गुरमुख सी ते काम भी उसके गुरमुखा वाले सी। ते बचपन दे विच जद माँ कहिंदे उसका सिर धोंदी सी ते दही दे नाल उहदे केसां दा इशनान कराउणा, दही दे नाल उहदे सुंदर केसां नूं सजाउणा, फिर उत्ते पातशाह दा सुंदर दस्तारा बनना। कहिंदे समें दा गेड़ बीतिया ते गुरमुख सिंह दे सिर दे विच अखां दे विच सिर आले पासे एक रसोली हो गई। जद ओह रसोली उसदे सिर दे विच हो गई ते अखां दी जोत जांदी रही, अखां तो दिसना बंद हो गया, उसनों कुछ दिसे ना, भाव जोत जद जाननी उहदी शुरू हो गई रसोली दे नाल। ते कहिंदे कि समां बीतदा गया ते जद डाक्टरां नूं विखाया ते उहनां कहा भी भाई तेरे सिर दा ऑपरेशन करना पएगा। आपां जानदे हाँ कि जद सिर दा ऑपरेशन करदे ने ते उस वेले केसां नूं कट्टणा पैंदा है। उह कहिंदे कि सारी रात रोंदा रिहा कि सवेरे मेरे केस कट दित्ते जाणगे। साध संगत हस्पताल दे विच कहिंदा रिहा
कि कित्थे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। केंदे उदी अपनी माता तो उदो अकाल चलाना कर चुकी सी, उनू चेता करता है क्योंकि साध संगत जीओ बंदा चाहे बुढ़ी उम्र का वडेपे विच हो जाए उनू कदे माँ नहीं भुलदी। प्यो नू तां बंदा भुल सकदा फिर भी, पर माँ उदे मरण तक भी उनू याद रहिंदी है। चाहे बंदा 100 साल की उम्र च मरे पर उनू कदे अपनी माँ नहीं भुलदी। याद करदा है अपनी माँ नू, माँ तो कहिंदी हुंदी सी कि ये केस गुरु की मोहर ने, ये केस गुरु की निशानी ने, तो हुण इन्हां डाक्टरां ने मेरे सवेरे केस कट देने ने। केंदे रात नू एक माता उहदे कोल आउंदी है, केंदी पुत्रा इदां नहीं कहीदा हुंदा कित्थे ने गुरु गोबिंद सिंह, क्योंकि रोंदा होया कह रहा सी कि कित्थे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कित्थे ने अज ओह मैनूं बचा के विखाउण जिहड़े अपनी बाणी च लिखदे ने सदा अंग संगे अभंगं विभूते। तो वह रोंदे हुए नू चुप करवाउंदी है तो रात उहदे सिर ते हथ फेरदी है, कहिंदी पुत्रा मैं भी तेरी माँ वर्गी हाँ। इस तरह कदे नहीं कहीदा हुंदा कि गुरु पातशाह हुण कित्थे ने, वो सदा हाजिर ने, सदा नाजिर ने। कहिंदे कि जद अगले दिन सवेर चढ़ी तो वह नर्स उस दे वाल कट्टन दे लई आई कि तेरा ऑपरेशन होना है, तो वह कहिंदा मैनू हुण ऑपरेशन की लोड़ नहीं है, मैनू सब कुछ दिस रहा है। वो उस वेले डॉक्टर नू आवाज़ मार के लियांदी है तो वह कहिंदा गुरमुख सिंह जिद ना कर, तेरे केस कट्टन दे बाद ही ऑपरेशन होना है, तू फिर केस रख ली। वो कहिंदा डॉक्टर साहब मैं ताड़ा चेहरा वेख रहा हाँ, तुसी आ रंग दा कोट पाया है, तुहाडे इन्हां बंदियां ने आ रंग दे कपड़े पाए ने, मेरी अखां दी जोत वापस आ गई। साध संगत उस वेले उहदी ECR जां जिहड़े होर टैस्ट हुंदे ने अल्ट्रासाउंड वगैरह MMCR सब किया गया, तो वेख्या कि उहदे कोई रसोली नहीं सी। अगले दिन पुछदा है कि तुहाडे हस्पताल च एक बीबी काम करदी है सुरजीत कौर, वो कहिंदे इस नाम दी ते कोई बीबी नहीं है। पता नहीं वो पातशाह ने किहड़े रूप दे विच आ के वरत जाणा हुंदा है। साध संगत तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दा असी प्रकाश पुरब मना रहे हां वो किते नहीं गए, वो अज भी किसी ना किसी रूप दे विच साढ़े कोल मौजूद हुंदे ने। जद आखरी सफर ते पातशाह जी दमदमा साहब की धरती ते पहुँचते ने भाई डल्ले दे कोल, भाई डल्ला गुरु साहब जी की बड़ी लम्मा समा खिदमत करता है, बड़ा लम्मा समा गुरु साहब जी की सेवा करता, पातशाह बड़ा लम्मा समा उहदे कोल रहिंदे ने। तुसी अज भी जाओ साबो की तलवंडी ते भाई डल्ले दे घर दे विच बड़ियां नियामतां पईयां होईयां। ते जद भाई डल्ला गुरु गोबिंद सिंह जी नू एक गल आखदा ना कि पातशाह तुसी मैनू याद ही नहीं किता, तुसी मैनू याद तो कर दे साहबजादे शहीद ही नहीं सी होने, मेरे कोल बड़ी तगड़ी फौज सी, पातशाह तुसी मैनू याद ही नहीं किता, मैनू एक बारी याद तो कर दे। ते पातशाह ने उस वेले कहा ठीक है डल्लिया, वो तो जो भाणा वापरना सी, जो अकाल पुरख का हुक्म सी उहनू कोई टाल नहीं सी सकता, चल अज आपां तेनू याद कर लैने हाँ। एक सिकली गर सेखे बंदूक लैके आया है, इहदा निशाना परखना है, दे अपने किसी सिपाही नू आवाज आपां बंदूक का निशाना परखीए भी गोली किन्नी क वजदी है। कहिंदे कई सिपाहियां नू उहने आवाजा मार के सद्दिया, कहिंदा आओ पातशाह दे बंदूक दा निशाना परखना है, ते कहिंदे एक भी मूहरे नहीं आया। वो कहिंदा असी मरन लई थोड़ी तनखाहां लैने आ, पातशाह ने निशाना परखना ते किसे होर ते परखण, असी डल्लिया ये गल नहीं मन सकते। ते कहिंदे डल्ला नीवी पा गया, ते पातशाह ने कहा कि बाहर मेरे सिख ने किसे नू जा के कह कि पातशाह ने बंदूक दा निशाना परखना है। ते साध संगत उस वेले दो सिख जिहड़े प्यो पुत सी, वो कहिंदा मैं शहादत देनी है, ते जिहड़ा प्यो कहिंदा नहीं
मैं शहादत देनी। प्यो पुत नूं आखदा तू छोटा तू रहन दे, वो कहिंदा नहीं पातशाह दी गोली दे नाल मरांगे ते सिद्धे पातशाह दी गोद च जावांगे। ए उन्हां दे अंदर जज्बा सी। ते जद भाई डल्ले ने पुछिया सी कि पातशाह मैनू दरगाह दे विच पीढ़ी जिन्नी थां दे दिओ, ते पातशाह कहिंदे पीढ़ी जिन्नी तां छड, तैनू सूई जिन्नी थां वी नहीं मिलेगी। कहिंदा पातशाह मैं बड़ी सेवा कीती तुहाडी। पातशाह कहिंदे तैनू पीढ़ी जिन्नी तां छड, सूई जिन्नी थां वी नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गुरु दा हुक्म नहीं कमाया, क्योंकि तू अमृत पान नहीं किता। पातशाह ने कहा पहली रहत ही यह है, प्रथम रहत जे जान खंडे की पाहुल छके। पातशाह कहिंदे सिक्खी दे विच प्रवेश ही तां हुंदा है जेकर तू खंडे दी पाहुल छकेगा। इस तरह पातशाह ने भाई नंद लाल जी नूं भी कहा सी, समय दी समाप्ति होण वाली है, कि पातशाह उस वेले आखदे ने कि मैं इस धरती तो किते भी नहीं गया। कहिंदे मेरे तीन रूप होणगे, तीन रूप है मोहे के। पातशाह कहिंदे मेरे तीन रूप ने, निर्गुण रूप, सरगुण रूप ते शब्द गुरु। पातशाह कहिंदे जद एक सिख तैयार बर तैयार हो के बैठेगा, एक सिख तैयार बर तैयार हो के शीशे विच अपने आप नू वेखेगा, उनू मेरे दर्शन होणगे, ये होएगा मेरा सरगुण रूप। ते पातशाह कहिंदे निर्गुण रूप गुरु की बाणी दे रूप दे विच, पातशाह साध संगत दे विच हर वेले विराजमान। इसे तरह पातशाह कहा मेरा तीजा रूप है शब्द गुरु, जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच साढ़े सारियां कोल मौजूद ने। ते साध संगत अखीर विच यही बेनती आप जी दे कोल है कि जिथे पातशाह दे प्रकाश पुरब आपां मना रहे हाँ, उन्हां दियां गल्लां नूं भी मनिए। जिन्हां दे दिन मनाउंदे आ ना विद्वान कहिंदे, उन्हां दियां गल्लां भी मनिया करिए। पातशाह ने कहा सब तो पहली रहत केसां दी बेदबी ना करिए। उस पातशाह दे कहा कि केसां दी बेदबी ना करिए ते नाल खंडे की पाहुल नूं छकीए। रोज़ गुरु घर दे विच एक समय सिख दी हाजरी लाजमी है, क्योंकि पातशाह दा फुरमान है गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पलके उठ हर नाम त्यावे। घर दे विच उठदिया नाम नूं जपे ते बाद विच गुरबाणी पढ़े ते फिर किसे वेले भी गुरु घर दे विच गुरु दे दर्शन जरूर करे। फिर पातशाह दा मनाया होया प्रकाश पुरब ते सारा कुछ अपना सफला हो सकता है। आप साध संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने इन्नी एकाग्रता दे नाल सारे ही समय दे विच विचारां नूं सुनिया। प्रबंधक कमेटी दा सारियां दा धन्यवाद, ग्रंथी साहिब जी दा बहुत बहुत धन्यवाद, ते अखीर ते सब तो वड्डा शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जी दा, जिन्हां ने आप सब संगत दे नाल विचारां पाउण दा पातशाह ने सुभागा समा बख्शिया। साध संगत जीओ, ये जो सारा टैलीकास्ट है महापंजाब चैनल USA दे उत्ते लाइव चलिया है, आप बाद विच भी जो संगतां बाद विच आईयां वो उस चैनल दे उत्ते तुसीं वेख सकते हो। पातशाह सारियां दे उपर ये किरपा करन कि असी उन्हां दे प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं होइआं अपने मना दे विच उन्हां दी गुरबाणी दा प्रकाश कर सकीए। इतनियां बेनतियां करदिआं अनेकां प्रकार दीआं गलतियां हो गईआं ने, जो सही है वह आप जी का है, जो गलत है वह मेरा किया होया है, आपने बख्श लेना। अखीर ते दोवें हाथ जोड़ बुलाइए जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।